बच्चों आज की कहानी है पापा आई लव यू। आज की कहानी पेनी की कहानी है। पेनी एक छोटी सी पेंगुइन थी। वो अंटार्कटिका में रहती थी। वहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थे और बहुत ठंडी थी। पेनी बहुत ही शरारती थी। वो अपने पापा के साथ काफ़ी मस्ती करती थी और पापा भी उसे बहुत प्यार करते थे। आपको पता है उसके पापा ने उसका कितना ख्याल रखा था। जब पेनी सिर्फ एक एग थी तो पापा ने उसे एक पाउच में रखा था पैर के ऊपर, ताकि पेनी को बिल्कुल ठंड ना लगे, वो उसे गर्मी लग सके। जैसे जैसे पेनी बड़ी होती गई वो तो शरारती होती गई। एक दिन उसने कहा, पापा पापा मुझे स्विमिंग को जाना है। पापा ने कहा, पेनी आज वेदर अच्छा नहीं है, आज मौसम अच्छा नहीं है, इसलिए हम स्विमिंग को नहीं जाएंगे। पेनी को तो काफ़ी गुस्सा आ गया। उसने कहा, पापा मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो, सारी चीज़ों के लिए मना करते हो। जब आपके पापा आपको मना करते हैं तो आप क्या करते हो? पता है पेनी ने क्या किया? वो तो चुपचाप स्विमिंग के लिए निकल पड़ी, पापा को बताए बिना। जब वो निकल पड़ी वहाँ पे उसे कुछ आवाज़ें आई। आपको पता है वो आवाज़ किसकी थी? वो एक सील की आवाज़ थी। सील छोटे पेंगुइन को खा सकता है। जैसे ही पेनी ने सील को देखा वो डर गए। वो रोने लगी, पापा पापा मुझे बचा लो। तब उसे समझ में आया कि उसे पापा की बातें क्यों सुननी चाहिए। जब वो रो रही थी तभी उसे कुछ पेंगुइन्स की आवाज आई। जब उसने पलट के देखा तो ये क्या, उसने देखा पापा आ गए और पापा अपने साथ बहुत सारे पेंगुइन्स को ले आए थे। इतने पेंगुइन्स को देख के सील वहां से रफू चक्कर हो गया। पेनी रोने लगी और पापा के पास जाके कहा, पापा आई एम सॉरी, आज से मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, पापा आई लव यू। पापा ने कहा, पेनी पापा लव्स यू टू। देखा बच्चों, अगर पापा आपको कुछ मना करते हैं तो वो इसलिए ताकि उससे आपका अच्छा हो सके। चलो अभी आप भी जाके पापा को बोलो, पापा आई लव यू।